नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग ने इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को रिलीज किया है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है फॉर इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इनोवेशन इकोसिस्टम। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में रैंक किया जाता है इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनोवेशन परफॉर्मेंस टू बिल्ड ए हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग देम। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 इज द थर्ड एडिशन एंड इट हैज ए टोटल 66 इंडिकेटर्स। दोस्तों, अब बात करते हैं की हाइलाइट्स ऑफ इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में, जो कि है कैटेगरी फॉर मेजर स्टेट्स, कैटेगरी फॉर हिल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, कैटेगरी फॉर यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों, अब अगर बात करें मेजर स्टेट्स कैटेगरी की, तो दोस्तों इस कैटेगरी को टॉप किया है कर्नाटक ने, सेकंड पोजीशन पर है तेलंगाना और थर्ड पोजीशन पर है हरियाणा। छत्तीसगढ़ इस कैटेगरी में लास्ट पोजीशन पर है। अगर बात करें हिल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट कैटेगरी की, तो दोस्तों इस कैटेगरी को टॉप किया है मणिपुर ने, सेकंड पोजीशन पर है उत्तराखंड और थर्ड पोजीशन पर है मेघालय। नागालैंड इस कैटेगरी में लास्ट पोजीशन पर है। दोस्तों, अगर बात करें यूनियन टेरिटरीज कैटेगरी की, तो दोस्तों इस कैटेगरी को टॉप किया है चंडीगढ़ ने, सेकंड पोजीशन पर है दिल्ली और थर्ड पोजीशन पर है अंडमान निकोबार। लद्दाख इस कैटेगरी में लास्ट पोजीशन पर है। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए। आगे भी अगर आप ऐसी वीडियोस या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।